सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको कबीरधाम से बड़ी खबर बताते हैं। कबीरधाम से खबर, जहां पर पर्यटन स्थल रानी दहरा नदी में आई बाढ़। पर्यटन स्थल में आए सैकड़ों पर्यटक बाढ़ में फंसे, रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं पर्यटक। रस्सी के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं पर्यटक। रानी दहरा पर्यटन स्थल में नदी में आई बाढ़। पर्यटन स्थल में आए सैकड़ों पर्यटक बाढ़ में फंस गए हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग रानी दहरा पहुंचते हैं और वहां पर अचानक आई बाढ़ से लोग बाढ़ में फंस गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अचानक आई बाढ़ से पर्यटक जो हैं वो पर्यटन स्थल पर फंस गए हैं और किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें। रस्सी के सहारे लोग इस पार से उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। रानी दहरा पर्यटन स्थल की ये तस्वीरें हैं जहां पर सैकड़ों पर्यटक बाढ़ में फंस गए। अचानक से ये बाढ़ आई और उसके बाद जो पर्यटन स्थल पर लोग पहुंचे थे वो वहां पर बाढ़ की वजह से फंस गए हैं। रस्सी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह आने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलमग्न हो चुका है ये पर्यटक क्षेत्र जो है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ये पहली बात तो ये कहा कि तस्वीरें और दूसरी चीज ये कि किस तरीके से इन लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि कबीरधाम जिले के बोल्ला विकास क्षेत्र में रानी दहरा जो पर्यटन स्थल है वो एक वहाँ पर आए दिन सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए वहाँ जाते हैं, मगर ये वही जो बाढ़ में फंसे हुए अचानक आए हुए बाढ़ में फंसे हुए ग्रामीणों की मदद से रस्सी से बाहर निकाला जा रहा है उसको। अभी भी आशंका जताई जा रही है की कभी भी पर्यटन स्थल फंसे हुए हैं। जी हीरेन, आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कौन से अधिकारी मौजूद है, कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं? अभी फिलहाल जानकारी है, अभी अपडेट नहीं मिल पाई है। लगभग कितने लोगों के फंसे होने की सूचना है हीरेन्द्र? अभी फिलहाल सभी लोगों को निकाली जा चुकी है, ग्रामीणों की मदद से निकाली जाएगी। वहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं थी। जी हीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पर्यटन स्थल में आए सैकड़ों पर्यटक बाढ़ में फंसे और ये तस्वीरें फिलहाल, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि फिलहाल लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। खबर बिहार के सोवल थाना क्षेत्र